स्टूडेंट्स वेलकम वंस अगेन टू द अव्वल एकेडमी ऑफ एजुकेशन। अपने कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के मैथमेटिक्स के शॉर्टकट्स की सीरीज़ में जो हमने कल लास्ट वीडियो में डेसिमल्स के ऊपर किया था उसका हम नेक्स्ट पार्ट करेंगे। अब तक हमने किया है एडिशन सब्ट्रैक्शन एंड मल्टीप्लिकेशन ऑफ डेसिमल्स, तो आज हम करेंगे डिवीज़न ऑफ डेसिमल्स। तो डिवीज़न ऑफ डेसिमल्स इज़ आल्सो एन कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस, ये भी एक कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है, तो आपको इजीली समझ आ जाए इसके लिए हमने इसको भी दो भागों में बांट दिया। तो अब देखो, दो भागों का मतलब है कि पहला भाग क्या हो गया कि व्हेन द डिवाइज़र इज़ 10,000, 10,000 लाख, मतलब वन के साथ कितने भी जीरोस वाला डिवाइज़र हो, तो उस कंडीशन में हमने क्या करना है। तो नॉर्मली उसमें हमने कुछ नहीं करना, जितनी जीरोस हैं उसके बराबर, जितनी डिवाइज़र में जीरो हैं उसके बराबर हमने राइट टू लेफ्ट डेसिमल बढ़ा देना है। वो कैसे करेंगे, जैसे इसका एक एग्ज़ाम्पल देखो के 463.8/10। अब देखो इसमें क्या हुआ कि ये डिविडेंड है, ऊपर वाला डिविडेंड, और नीचे वाला जो है डिवाइज़र, हिंदी में उसको बोल देते हैं भाज्य और भाजक। ठीक है, जब हमने इसको डिवाइड करना है तो आपने बिल्कुल फ्री माइंड होके इसमें देखने हैं कि कितने डेसिमल प्लेस हैं, इसमें एक है, और इसमें देखने हैं कितनी जीरोस हैं, एक के साथ कितनी जीरो है। अब यहाँ पे एक जीरो है, तो ये एक जो है राइट टू लेफ्ट, ये राइट इधर की तरफ लेफ्ट, ये राइट इधर की तरफ लेफ्ट, तो इस जीरो एक जीरो के बराबर जो है उसके अंदर उसको सरका देना, तो ये यहाँ से आ जाएगा आंसर में यहाँ पर। तो हमारा आंसर बन गया 46.38, दैट्स इट, क्वेश्चन इज डन। कोई घबराने की ज़रूरत नहीं, बस जब ये आए कि हमने वन के साथ कितनी भी जीरो लगी हैं तो उन उतनी जीरो के बराबर डिविडेंड में अपने डेसिमल को मूव कर देना है। अब सपोज करो एक और एग्जांपल लें, 4.309 को हमने डिवाइड करना है 100 से। अब ये डिविडेंड, ये डिवाइज़र, तो इसमें कितने डेसिमल प्लेसेस हैं, तीन, तो कितनी जीरो से डिवाइड करना है हमने, एक से, तो यानी यहाँ से ये आगे बढ़ जाएगा, ये तो ये अभी एक ही अंक बना, तो दूसरा अंक लगाने के लिए हम आगे क्या लगा देंगे, इसके 0.04309, तो इसके आगे जीरो अपनी तरफ से, तो ये अपना ये यहाँ से मूव किया है, यहाँ से यहाँ कितनी जीरोस के बराबर, इन दो जीरोस के बराबर, राइट। अगर सपोज करो एक एग्जांपल और ले हम के 0.003 को हमने डिवाइड करना है एक दो, एक के साथ चार जीरो, यानी 10,000 से 10,000 से डिवाइड करना है, तो बिना करे आपने, बिना कुछ किए इसको कर देना है, घबराना नहीं। तो यहाँ पे डेसिमल प्लेसेस काउंट करने हैं तीन, यहाँ पे जीरोस काउंट करनी है चार, तो ये कितना बन गया, कितने के बाद चला जाएगा, सात प्लेसेस के बाद, तो सात प्लेसेस कहाँ बनेंगे, तीन है हमारे पास, चार जीरो और आ जाएंगी, एक दो तीन चार, पॉइंट यहाँ पे लग गया 0.123456, टोटल सात हो गए, राइट। ऐसे घबराना नहीं, आपने इसको आराम से कर देना है। तो इसका एक एग्जांपल और देख लेते हैं, आपको अच्छी तरह समझ आ जाए, कहाँ पे ले जाएं, अब स्पेस की कमी रह गई, तो ये ऊपर ले जाते हैं इसको, यहाँ पे, ठीक है। एग्जांपल तो
suppose we have to divide 2, 3, 4.789 by 1 के साथ 2, 4, 6 जीरो लगा देते हैं हम, 2, 4, 6। तो अब आपका आंसर क्या बनेगा, आपके पास हैं 3 डेसिमल पॉइंट्स ऑलरेडी हैं और लगाने की जीरोस कितनी हैं आपके पास, 2, 4, 2, 4, 6 जीरोस। तो ये कहाँ पे जाएगा समझो, ये 2, 3, 4, 7, 8, 9 तो इधर आ गया, तो इधर आ गया कितने बने राइट तरफ, 3 और 3, 6, और 3 डेसिमल आपके पास आ गए हैं तो 6 और 3, 9 प्लेसेस बढ़ जाएंगे। ये यहाँ पे बन गया ये आपका आंसर 2, 3, 4, 7, 8, 9, 6 और 3, 9 डेसिमल प्लेस है ना, तो हमारे पास अभी कितने हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 3 जीरोस और लगा दो, 1, 2, 3, तो ये यहाँ पे ये आंसर आ गया, डेसिमल के बाद 9 प्लेसेस मूव कर गए राइट। और अगर इससे बड़ा एग्जांपल देखना चाहते हो तो आप ये देख लो, एक 5.08 को सपोज करो हमने करना है 2, 4, 6, 2, 4, 6, 8 से कर लेते हैं हम, 6 से कर लिया हमने, 8 से कर लेते हैं, 8 जीरो से 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। अब एग्जामिनेशन में जिन बच्चों ने तो बेसिक सीखा है इसको करने का, वो तो इसको करेंगे इजीली सॉल्व, जो बच्चों ने किया नहीं तो वो देखेंगे यार ये तो बड़ा माथा पच्ची वाला काम है, डेसिमल आ गया और जीरो जीरो भी आ गया, कैसे करेंगे, छोड़ो इसको एक नंबर ही तो है, वो एक नंबर उनको पता नहीं कितने 100 स्थान नीचे ले आएगा। ठीक है, तो घबराना नहीं, इसने जो आपको सिखाया है वो यूज़ करो। पहले तो आप सीधा अपना 508 लिख लो, ठीक है, अब ये डेसिमल प्लेसेस कितने हैं 508 में, 2, जीरो कितनी है 2, 4, 6, 8, तो अब ये कितने बन गए टोटल, 8 और 2, 10 प्लेसेस बन गए, ये 2, 4, 6, 7 और 3, 10, तो यानी तीन प्लेस हमारे पास ऑलरेडी हैं, तो 7 जीरो लगेगी, फिर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 यहाँ पे डेसिमल, ये जीरो अपनी तरफ से लगा दो, तो ये बन गया आपका आंसर, ये 2, 4, 6, 7 और 3, 10। ठीक है, घबराना नहीं, आराम से इसको करना है। अब जो नीचे वाला है उसको समझिए, इसको समझने के लिए मुझे ये फर्स्ट पॉइंट जो है रिमूव करना पड़ेगा, तो ये मैं रिमूव कर देता हूँ। ठीक है, आशा है कि आपने उतार लिया होगा सारा, ये इसको रिमूव कर देते हैं, ये अब ये कह रहा है डेसिमल, अब ये भी साफ हो गया, व्हेन द डिवाइजर इज ए डेसिमल नंबर, इसको दोबारा लिख दूं, व्हेन द डिवाइजर इज ए डेसिमल तो जब पहले तो था कि जब डिवाइजर मतलब जिससे हमने भाग देनी है वो 10, 100, 1000, 10,000 ये हो वगैरह वगैरह, अब अगर यही डिवाइजर एक डेसिमल नंबर हो तो आप कैसे करेंगे इसको, तो डेसिमल नंबर वाला हम मल्टी उसका देख लेते हैं एक, तो ए पार्ट का जो एग्जांपल है हमने यहाँ पे ले लिया, ये जो इसका एग्जांपल है यहाँ पे आ गया, ये ए पार्ट का, ये यहाँ से हम इसको लेते हुए और ये एग्जांपल आ गया राइट। तो इसमें आपने क्या करना कि सपोज करो हमें एक क्वेश्चन आ गया कि 2.5
मल्टीप्लाइड 0.0034 मल्टीप्लाइड 0.95 को हमने डिवाइड करना है किससे, 1.9 मल्टीप्लाइड 0.17 मल्टीप्लाइड 0.5 कर लो, जीरो पॉइंट फाइव से। तो बच्चों ये देखो जो हमने नीचे लिखा है कि व्हेन द डिवाइजर इज अ डेसिमल नंबर, अब ये हो गया आपका ऊपर वाला डिविडेंड, और ये हो गया डिवाइजर। डिविडेंड को हम पहले क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं हिंदी में, भाज्य, और नीचे वाला हो गया भाजक। ठीक है, तो अब जो हमारी कंडीशन ए, तो हमने सबसे पहले क्या कहा कि ऊपर वाले डेसिमल नंबर्स को काउंट करो जितने डेसिमल प्लेसेस हैं। तो एक इसका हो गया एक, चार इसके हो गए, चार और एक पाँच, दो इसके हो गए, तो हमारे पास डेसिमल प्लेसेस यहाँ लिख देता हूँ, ऊपर वाले सात, नीचे वाले एक और दो तीन और एक चार, इन दोनों का डिफरेंस कितना आ गया, सात और चार गए तीन। अब इसको ये डिफरेंस है, ये डिफरेंस, ये वाला जो मैंने ये स्क्वायर उसमें डाला, तो आपने इसको अब माइंड में रखना है कि हमारा डिफरेंस तीन आया था। ठीक है, अब इसको आपने भूल जाना है, सीधा इसको लिख लो 25, डेसिमल को उड़ा दो इसमें से, तीन चार, आपको इजी हो जाएगा, 95 हो 19 17 5। ठीक है, नॉर्मल उसमें लिख लिया, हमें डेसिमल समझो है ही नहीं। अब उसके बाद, अब ऊपर वाले में कितने डेसिमल प्लेसेस थे, सात, नीचे वाले में डेसिमल प्लेसेस चार। अब द नम इफ, अब हमने यहाँ पे दिया इफ द नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस इज मोर इन द डिविडेंड, डिविडेंड में मोर हो गए कितने, सात, एंड देन द डिवाइजर, देन पुट द डेसिमल इन द आंसर फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। अब हम पहले आंसर निकालें, तो 19 एकम 19 19 5, 95 ये गया, ये इससे कट गया, 17 एकम 17 17 दूनी 34, तो ये कितना बन गया, ये आ गया हमारा 50। ये आंसर हमें 50 मिला, 25 दूनी 50। अब हमने इसके अंदर लगाना है डेसिमल, वो डेसिमल आएगा इस तीन प्लेसेस के बराबर जो हमने डिफरेंस निकाला था। अब हमारे पास दो प्लेस ऑलरेडी आ गए 50, तीसरा बनाना है हमने, तो एक जीरो लगा देंगे यहाँ पे लेफ्ट में, तो यहाँ पे आ गया डेसिमल, यहाँ पे आ गया जीरो, दिस इज आंसर, राइट, दिस इज आवर आंसर। मतलब अभी ये ए पार्ट हुआ है, इसका बी पार्ट भी करेंगे, पहले आप ए पार्ट का एग्जांपल समझो, ये ए पार्ट का एग्जांपल। ठीक है, अब इसका एक और एग्जांपल हम ए पार्ट का देखेंगे, ए सपोज वी हैव टू डिवाइड 0.9 मल्टीप्लाइड 0.45 मल्टीप्लाइड 2.6 बाय 5.2 मल्टीप्लाइड 8.1, राइट। अब वैसे ही इसके डेसिमल प्लेसेस काउंट कर लो, पहले डिविडेंड के एक दो तीन और एक चार, डिवाइजर के एक और एक दो, दोनों का डिफरेंस दो। अभी इस दो को आपने ध्यान रखना है, अब इसको सिंपल वे में बिना उसके ये लिखने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ भी इसको कर सकते हैं अपना ऐसे ही बिना डेसिमल के, 9 1 9 9 9 81 9 1 9 9 5 45 26 1 26 26 2 52, तो ये आ गया 5/2, तो इक्वल टू 2.5 हमारा आंसर आया। अब
इस 2.5 को आप फाइनल आंसर ना समझ लेना कि डेसिमल में आ गया और ख़त्म हो गया। नहीं, अभी हमने ये दो डेसिमल प्लेसेस एडजस्ट करने हैं इसके अंदर। तो किस में ज़्यादा है डेसिमल प्लेसेस? डिविडेंड में कितने हैं? 4। डिवाइजर में कितने हैं? 2। तो यही कंडीशन है हमारी ए के, व्हेन द डेसिमल प्लेसेस इज मोर इन द डिविडेंड देन द डिवाइजर। तो इसमें ज़्यादा हो गए, तो अब हम राइट से लेफ्ट की तरफ, फ्रॉम राइट टू लेफ्ट डेसिमल लगाएंगे। अब ये हमारे पास ऐसे ही है एक, तो अब हमने दो डेसिमल प्लेसेस इसको आगे लेके जाना है। तो एक डेसिमल प्लेस ये आ गया, 10 लगा देंगे अपनी तरफ से, ये जो डेसिमल है यहाँ मूव कर दिया, तो हमारा फाइनल आंसर 0.025, दिस इज़ आवर फाइनल आंसर, राइट। अब ये कंडीशन नंबर एक आपको समझ आ गई होगी। अब हम चलेंगे कंडीशन नंबर दो के ऊपर, बी मतलब बी। अब इसको हम पहले यहाँ पे लिख लेंगे नंबर बी। तो इसमें क्या आएगा? इफ़ द नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस इज लेस इन द डिविडेंड देन द डिवाइजर। अब ये इसका उल्टा हो गया, पहले मोर थे अब ये लेस हो गए डिवाइजर, देन पुट डेसिमल इन द आंसर फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इक्वल टू द डिफरेंस इन द इन नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस इन डिविडेंड एंड डिवाइस। अब देखो यहाँ पे लेस हो गया डिविडेंड यानी ऊपर वाले में लेस हो गया, डिवाइजर में नीचे वाले में ज़्यादा हो गया, ठीक है। तो पहले था उसमें ज़्यादा था डिविडेंड में और डिवाइजर में कम था, तो हम लगाते थे डेसिमल राइट टू लेफ्ट। अब इसमें लगेगा लेफ्ट टू राइट इक्वल टू द डिफरेंस, वही डिफरेंस का। अब इसको हम कर देंगे रब। नाउ रब कर देंगे, इसका एक एग्जांपल लेंगे। इस एग्जांपल में हमने क्या करना है? सपोज वी हैव टू डिवाइड 8.1 मल्टीप्लाइड 0.27 मल्टीप्लाइड 4 बाय 0.009 मल्टीप्लाइड 0.04 मल्टीप्लाइड 0.3, ठीक है जी। अब नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस काउंट करो, ऊपर कितने हैं? 1, 2, 3 और नीचे कितने हैं? 3, 2, 5, 1, 6। तो दोनों का डिफरेंस आ गया 6 - 3 = 3, मतलब इस 6 में से डेसिमल प्लेसेस में से ये 3 माइनस कर दिए, ठीक है जी। अब इसको वैसे ही सिंपली कर लो, इसको 81, 27, 4 बिना डेसिमल के 9, 4, 3, ये 4 से 4 कट गया, 3 - 27, 9 से 9 कट गया, ये रह गया जी 81, ठीक है। अब इसमें हमने लगानी है डेसिमल, डेसिमल कहाँ से आएगी? 3 डेसिमल प्लेसेस फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, सॉरी फ्रॉम लेफ्ट टू राइट।
तो हमारा लेफ्ट क्या है, इधर से तीन डेसिमल प्लेसेस हमने काउंट करना है, तो यहाँ से काउंट हो जाएंगे तीन डेसिमल प्लेसेस, एक दो तीन, यहाँ पे डेसिमल आ गया तो यहाँ पे जीरो, तो ये हमारा आंसर आ गया 81,000। ठीक है जी, इसको आपने ध्यान से करना है और बार बार प्रैक्टिस करने पर ही ये चीज़ आपको आएगी। अब इस डिवीज़न की ही उसमें हम एक चीज़ और लेंगे, ये चीज़ कई बार छूट जाती है पर इसको है, ये सिंपल है कि जैसे हमें डिवाइड करना आ गया ए डिवाइडेड एक्स डिवाइडेड वाई, तो इसको आपने सीधा कर देना है ए से एक्स वाई। ठीक है, अगर मान लो आ जाए ए डिवाइडेड एक्स डिवाइडेड वाई डिवाइडेड जेड, तो इसमें भी आपने सिंपल वे में इसको एक्स वाई जेड कर देना, ऐसे ही ए डिवाइडेड एक्स डिवाइडेड वाई डिवाइडेड सॉरी यहाँ पे कर दो ए डिवाइडेड डब्ल्यू डिवाइडेड एक्स डिवाइडेड वाई डिवाइडेड जेड, तो ये बन जाएगा ए बटा डब्ल्यू एक्स वाई जेड। तो ऐसे क्वेश्चंस कैसे होंगे, इसमें देखो एग्जांपल, मान लो 5,000 को आपने 100 से फिर 10 से करना है, तो इसको घबराना नहीं, 5,000 ऊपर रख के 100 मल्टीप्लाइड 10, 1 2 3 0 कट गया, आंसर आ गया 5। ठीक है, ऐसे ही आ जाए एक और एग्जांपल, 5,400 हो जाए, अब इसका हम 90 से करें, इसको 6 से करें, तो फिर 5,400 को रखो ऊपर, यहाँ आ जाएगा 90 मल्टीप्लाइड 6, 9 6 54 60 10, 10 आंसर, राइट। अब ऐसे ही जी मान लो आ जाए 0.289 को हमने करना है 1.7 से, फिर 0.289 1.7 इंटू 1.7, राइट। अब इसको आपने देखना भी, ये पहले डेसिमल प्लेसेस काउंट कर लो, तीन है यहाँ पे, कितने हैं दो, तो दोनों का डिफरेंस आ गया 1। ठीक है, 3 - 2 एक का डेसिमल डालेंगे हम, और आंसर इसको ऐसे ही करना जैसे सिंपल हो, ये डेसिमल ना ही है इसके साथ, 17 17 जा और 17 1 जा, तो आंसर आ गया 1। अब इसमें हम डालेंगे डेसिमल, तो डिविनेंट में ज़्यादा हैं तो हम राइट से लेफ्ट की तरफ डालेंगे। ठीक है, कितना प्लेसेस, एक, तो यहाँ पे आ गया ये हमारा आंसर आया। ठीक है, और इसी तरह एक आधा एग्जांपल और देख लो, कि सपोज वी हैव टू डिवाइड 26.40 बाय 0.16 बाय 0.15 डिवाइडेड बाय 11, तो 26. आप सीधा इसको ऐसे कंसीडर करो कि इसके डेसिमल है ही नहीं, तो सीधा 26 40 / 16 × 15 × 11। ठीक है, अब इसको काट देंगे हम इससे, तो 11
दूनी 22, 4, 11 चौक, ठीक है, 15, एकम 15, 15 छीक, 16 सिरों कट गया, एक आ गया। अब इसमें कितने हैं? दो। इसमें कितने हो गए? दो और दो चार, दो दो चार, नहीं सॉरी, ये 1.1 कर लो इसको, ठीक है। तो यहाँ डिविडेंड आ गया हमारा, ये इसमें कितने प्लेसेस हैं? दो। अब ये टोटल नीचे कितने बन गए? दो दो चार और एक पाँच, पाँच में से दो गया, तीन रह गया, ये तीन डेसिमल प्लेसेस हम लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट टू राइट डाल देंगे, तीन डेसिमल प्लेसेस, एक दो तीन, आंसर आ गया हमारा 1000, ठीक है जी। अब ये था डिवीज़न, इसको आप प्रैक्टिस करिए घर पे, और कोई चीज़ समझ में ना आए, इफ़ यू हैव एनी क्वेरी यू कैन राइट इन द कमेंट सेक्शन ऑफ आवर वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, दूसरे जो एस्पिरेंट हैं उनकी नॉलेज में लेके आइए और उनको भी बताइए ताकि वो भी प्रिपरेशन कर सकें। थैंक्स, टिल द नेक्स्ट वीडियो।